नमस्कार, द लीडर हिंदी के मुंबई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए नजर डालते हैं आज की मुंबई की प्रमुख खबरों पर। राजू श्रीवास्तव के बाद एक और हास्य कलाकार ने दुनिया को कहा अलविदा। टीवी इंडस्ट्री के लिए एक और दुखद खबर सामने आई है। बॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के बाद एक और हास्य कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। द ग्रेट इंडियन लॉफ्टर चैलेंज के पहले सीजन के प्रतियोगी पराग कंसारा का निधन हो गया है। उनके दोस्त और फेमस कॉमेडियन सुनील पाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए ये जानकारी दी है। कॉमेडी जगत के लिए और कॉमेडी के लिए बहुत बुरी खबर ये है, एक और बुरी खबर आई है कि लाफ्टर फर्स्ट में जो हमारे साथी थे सुपर सिक्स में, पराग कंसारा जी, जिनको मैं प्यार से पीके कहता था, पीके आज हमारे बीच में नहीं है। पराग कंसारा जी ने आज सुबह आखिरी सांस ले ली 7 बजे। और बहुत दुखद न्यूज़ है ये हम सब के लिए। कॉमेडी जगत में वैसे ही बहुत दुख चल रहा है। हमने ग्रेट राजू श्रीवास्तव जी को खोया है, दीपेश भान को खोया है, जीतू गुप्ता के बेटे को, 19 साल के बेटे को खोया है, अनंत श्रीमाली जी को खोया है, अशोक सुंदरानी जी को खोया है। ये सब हास्य के जगत की घर की दुखद घटनाएं हैं जो अब हमारे सामने आ रही है। हमारे हास्य फैमिली को, कॉमेडी फैमिली को किसी की नज़र लग गई है। आप सब दोस्तों से दुआ है, प्रार्थना है कि सभी के लिए दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए। रुलाने वालों की कमी नहीं है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, लेकिन हंसने वालों का ईश्वर हमेशा साथ दे, उनका सपोर्ट करे, उनका हेल्थ वेल्थ संभाल के रखे। पराग कंसारा जी बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही हंसमुख। मेरे साथ में उन्होंने बॉम्बे टेकओवर, अपना सपना, मनी बैग गारंटी फिल्म में काम किया था और भावनाओं को समझने में काम किया था। और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सहज इंसान थे। गुजरात के बड़ोदरा से आते थे और बहुत अच्छा काम करते थे। पराग भाई, आपका काम हमेशा ज़िंदा रहेगा और आपके काम में आप हमेशा ज़िंदा रहोगे। लव यू पराग भाई, एंड आपको नमन है। भगवान आपको हमेशा हंसता रखे, मुस्कुराता रखे। अंबानी परिवार का नाम लेकर HN रिलायंस अस्पताल को बम से उड़ाने की दी धमकी। मुंबई में आज दोपहर 12:57 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिलायंस फाउंडेशन से जुड़े HN रिलायंस अस्पताल को फोन कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मुंबई पुलिस द्वारा जारी किए गए एक बयान के मुताबिक हॉस्पिटल के लैंडलाइन पर अचानक फोन बजा। कॉल करने वाले ने अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी। कॉल अज्ञात नंबर से आया था। फोन करने वाले ने अंबानी परिवार के कुछ सदस्यों का नाम लेकर ये धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि DB मार्ग पुलिस स्टेशन पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। नासिक मुंबई हाईवे पर उद्धव और शिंदे गुट के लोग भिड़े। उद्धव गुट की महिला सैनिकों ने शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर चलती गाड़ी से अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने वाहन रोक कर जमकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे वहाँ बखेड़ा खड़ा हो गया। भाजपा की दशहरा रैली में भीड़ हुई अनियंत्रित, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के बीड जिले में भारतीय जनता पार्टी की नेता पंकजा मुंडे और BJP सांसद प्रीतम मुंडे ने दशहरे पर OBC समाज की एक रैली बुलाई थी। रैली खत्म होने के बाद पंकजा को मिलने के लिए जब लोगों की भीड़ स्टेज पर जाने लगी तो पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस पर उसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को तितर बितर कर दिया। आपको बता दें कि भीड़ की इस रैली में 20,000 से ज़्यादा लोग मराठावाड़ से आए थे। हर साल इस रैली का आयोजन किया जाता है। इस साल इस रैली का आयोजन परली के गोपीनाथगढ़ में किया गया था। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुंबई से जुड़ी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी।